अच्छा इंटरनेट कनेक्शन और लैपटॉप मौजूद हो तो आप कहीं से भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। मैं अपने लैपटॉप को ले जाकर कहीं से भी काम कर सकती हूँ, मैं अपने घर से भी काम करती हूँ, इसके अलावा मैं किसी कॉफ़ी शॉप या कोवर्किंग स्पेस से भी काम कर लेती हूँ। फ्रीलांसिंग में आप डेटा एंट्री कर सकते हैं, अगर आपको लगता है आप लिखने में अच्छे हैं तो आप उनकी वेबसाइट के लिए या ब्लॉग के लिए या फैशन के ऊपर आर्टिकल्स लिख सकते हैं। फिर इसके अलावा स्प्रेडशीट्स को फिल करना और जो है ऑफिस एमएस वर्ड या एमएस ऑफिस की जितने भी डोमेन्स हैं उनके ऊपर काम करना, और इसके साथ साथ बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग या सोशल मीडिया पोस्ट को क्रिएट करने का काम जो है बहुत ज़्यादा इस टाइम फ्रीलांसिंग में इन है। इसके अलावा कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो अपनी नेल पॉलिशेस के नाम रखने के लिए फ्रीलांसर्स को ढूंढती हैं और उनसे एक ऐसे यूनिक नाम रखवाती हैं और उनको पे करती हैं इस काम के लिए। वो काम जो अगर आप पाकिस्तान में किसी कंपनी के लिए करें वो बहुत काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर आपको रिसीव होती है जब आप वो काम डॉलर्स में करते हैं। मेरा साथ एक दफ़ा ऐसे भी हो चुका है कि मैंने अपने एक क्लाइंट के लिए पाकिस्तान से बैठकर, वो ऑस्ट्रेलिया में बेस्ड थे, और मैंने उनके लिए कनाडा से उनकी मेडिसिन ऑर्डर की और अमेरिका में एक दफ़ा उनके लिए डॉक्टर्स के साथ उनकी अपॉइंटमेंट भी फिक्स की। तो फ्रीलांसिंग के लिए कुछ ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जहाँ पर आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करके जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं। ये $3 से रेट बढ़ता बढ़ता आपकी स्किल्स के मुताबिक ये हज़ारों डॉलर्स में भी जा सकता है। मेरे नज़दीक पाकिस्तान में इस टाइम जो फ्रीलांसिंग की डिमांड जिन एरियाज़ में है उसमें डिजिटल मार्केटिंग टॉपर आती है, जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आ जाती है, एफिलिएट मार्केटिंग भी आ जाती है, और इसके साथ साथ सॉफ्टवेयर और ऐप डेवलपमेंट जो है इस टाइम बहुत डिमांड में है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इस टाइम पेमेंट के इश्यूज हैं जो पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स को फेस करने पड़ रहे हैं। इस कमी को दूर करने के लिए इस टाइम हमारे पास कुछ ऐसे अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं जिसके थ्रू आप अपनी पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं।